Salukio. Salukio. Fire Rohan here in the house. Fire and Lukio. Can you beat it? Can you beat it? No, just say, not to beat. Anyway, no, we were happy to have a history of the show. We have a history, and that history has been converted into geography, and our geography has been converted into chemistry. You know, this chemistry is coming. Good question. रीयूनियन पार्टी आफ्टर लॉकडाउन इट्स वेरी स्पेशल टेल अस हाउ एक्साइटेड आर यू गाइस फॉर द पार्टी एक्चुअली ये जो लॉकअप पार्टी हुई थी उसमें पायल आ नहीं सकी बिकॉज़ शी एंड संग्राम वर ट्रैवलिंग नॉट ट्रैवलिंग वी वर डिसअपॉइंटेड एंड वी वर नॉट इन अ मूड फॉर व्हाटएवर रीजन द कंटेस्टेंट्स एट दैट टाइम आई टोटली अंडरस्टैंड यू नो व्हाट तो इसलिए मैंने सोचा कि इट्स इंपॉर्टेंट दैट एवरीबॉडी मीट्स तो इसलिए मैंने सोचा कि केवीस पार्टी इज केवीस पार्टी पायल का सो या दैट शी कैनॉट रिफ्यूज सो आई हैड टू कीप दिस एंड आई एम सो ग्लैड एवरीबॉडी इज कमिंग मोस्टली लॉकअप की मैं मार्क करूं काफी अच्छी दोस्ती हुई आप लोग की काफी सेकंड हाफ बहुत ही अनयूजुअल दो माय गॉड अगर पहले हाफ के बाद अगर मैं पार्टी रखता तो आई डोंट थिंक मैं बुलाता और ये आती भी नहीं ये बुलाता भी नहीं मैं बुलाता भी नहीं बुलाता भी नहीं सेकंड हाफ आप लोग की दोस्ती काफी सराह गई बाहर क्या कुछ कहना चाहोगे इस दोस्ती के बारे में आई वुड जस्ट से दैट वी आर टू गुड सोल्स हु हैव कनेक्टेड एंड गॉड हैज कनेक्टेड अस एंड शी नीड्स टू बी अराउंड नाइस पॉजिटिव people like me. He and his wife. And I teacher, really love really. I love that. I think we can be a great difference in your life. Yes. And it was very surprising for your fans to see you in lockup and you played really well. Oh, actually, yeah, that's what, jabhi main baar raha tha, what are you doing in lockup? I said, I enjoyed it, man. Mujhe achha laga. Seriously, I enjoyed the whole game, man. I really had fun. And I made some few good friends. Wo bahut zaruri hota hai ki zindagi mein aap kuch kaam karte ho aur usme aap kuch chand dost banate ho. Payal and Sangram bhai is one of them. So, yeah. So ma'am, what do you want to say? I would just say that God is directing us. भगवान हम सबके पाथ सफ़र बना देता है और उस पाथ सफ़र में उन लोगों को मिलाता है जिन लोगों के साथ आप अपनी ज़िंदगी आगे बिता सकते हो सो आई एम ग्लैड आई मेट करण करण और मेरा बहुत फायर वर्कस था मगर फायर वर्कस के बाद जो शांति आई वो शांति आई थिंक काफ़ी समय तक रहेगी बिकॉज करण भी इज ऑलवेज अबाउट शांति या सो वो शांति नहीं चाहता है क्या ना रियलिटी शो में शांति नहीं चाहते मेकर्स वो चाहते हैं थोड़ी शांति और थोड़ा अशांति की भी है रियलिटी शोज की मैं बात करूँ लॉकअप के अलावा आप दोनों ने बिग बॉस भी किया और इस बार बिग बॉस आने वाला है तो आपको देख पाएंगे इस बार भी हम बिग बॉस में बिग बॉस आई मीन मैं देखता हूँ पूरा मतलब एपिसोड थोड़े थोड़े बिट्स एंड पार्ट्स में देखता हूँ कि जहाँ कुछ एकदम ऐसा ऊपर नीचे पड़ाव अगर हो जाए और कॉमेडी रिएक्टिंग वियर्डली और जैसे वी ऑल नो हाउ पीपल रिएक्ट इन रियलिटी शोज तो उस पर कॉमेंट ओपिनियंस वगैरह चलती रहती है इस बार पाल की भी आएगी मुझे लगता है आपको पता है मैं बहुत ओपिनियटेड हूँ तो अगर मैं देखूंगी तो ओपिनियट करूंगी एंड आई डोंट नो हाउ आई विल बी बिजी हाउ आई विल बी प्लेस्ड आउट बिकॉज़ आई एम लुकिंग फॉर गुड वर्क सो लेट्स सी क्या पोजीशन है यू आल्सो गिव अ सरप्राइज ऑफ लाइक हु इज हियर सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट अबाउट हु अबाउट योर मैरिज I am just hoping and praying that everything goes really, really well. Wait, you know what? While you interview her, there's one beautiful woman also waiting outside behind you guys. So I'm gonna go spend some time with her. Yes. All right. Thank you. Take care. Yeah. So I am just looking forward that Bhagwan humko achhi tarah se bless kare because shaadi bahut hi pyara institution hai and wo institution ko. embracing because it's very very important hamari pratha hai bharatiya sanskruti ki so live in relationship is okay but marriage is marriage and I'm really looking forward to that I hope aap log bhi apni prarthna mein mujhe yaad rakhe and bless kare because logo ke blessing ke bina kuch possible nahi thank you so much yes wow wow thank you Congratulations to Rocky and
ओके मैम पार्टी किस तरह से देखते हो, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर? आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे बहुत टाइम बाद एक मौका मिला अच्छी ड्रेस पहनने का और बाल बनाने का. इसको बार बार बोलता हूँ तो मेरे लिए रेडी हो, तो मेरे लिए ड्रेस अप कर, घर में ही मिलेगी अगर. लेकिन बच्चों से उभर कर नहीं आती है, मतलब पति को देखते भी नहीं. सो बिजी एट होम एंड आई एम वेरी हैंड्स ऑन, यू नो, उनको खाना बनाना बच्चों का और सुलाना है नहलाना. आई डू, आई लाइक टू डू इट, आई जेन्युइनली लव टू डू इट. सो दैट्स व्हाई आई डोंट ड्रेस अप सो मच. जीन्स टी शर्ट जैसे आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हो वैसे ही मैं हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम. बट टुडे आई थॉट इट्स सो नाइस. आई एंड मैम व्हेन वी टॉक अबाउट लॉकअप, जिस तरह से प्रमोशन प्रोमो देखा लॉकअप के, देयर आर सो मेनी कंट्रोवर्सी पहले से ही हो रही थी एंड सीइंग करणवीर वाज वेरी सरप्राइज फॉर द फैंस. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना बड़ा डिसीजन था सर के लिए? Yeah, though it was a big decision, but inko acha bhi lagta to be shooting again, to be working. Chahe ek TV show hai ya film hai, soap serial hai ya reality show hai, just being on set and shooting, that he loves doing. Especially for reality shows, main ek baat karna chahunga ki log sochte hain ki reality show aapko game khelna padta hai. You know what? End mein aapki asliyat pata chali jati hai agar aap game bhi khel rahe hote ho. Main important reality shows ka ye hai ki aap insaan kaise ho. और वही चीज़ आप जहाँ जो आप अंदर हो रियलिटी शो में, वो आप बाहर भी हो, वो लोगों को अच्छा लगता है. दैट्स व्हाई आई एंजॉय प्लेइंग बीइंग पार्ट ऑफ रियलिटी शोज, बिकॉज आई कैन बी माई सेल्फ एंड इट्स फन एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. और ये मुझे सच में बहुत बहुत मज़ा आया टू बी अ पार्ट ऑफ लॉकअप. एंड बीइंग अ मेंटोर क्वालिटी, वी ऑलवेज सीन यू इन द बिग बॉस ऑल्सो. श्रीशांत को आप जाके बोलते थे यू टॉक टू मी, यू टॉक टू मी, एंड इवन दिस शो काफी जन के पास जाके मेंटोर बने थे. डू यू हैव दिस मेंटोर क्वालिटी? डू यू फील लाइक दैट? आई ऑलवेज फील लाइक गाइडिंग पीपल. आई ऑलवेज फील लाइक मुझे है ना, बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री में 22 साल से रहूँ और मैं खुद मतलब सम अ वेरी यंग एज आई स्टार्टेड द इंडस्ट्री. सो आई हैव सीन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम बिफोर सोशल मीडिया एंड आफ्टर सोशल मीडिया. तो मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अ पीस ऑफ एडवाइस जो मैं देता हूँ बहुत अनसॉलिसिटेड होती है, बट बहुत पते की बात, बहुत पते की होती है. सो इफ जो ले ले बात बहुत बढ़िया, जो ना ले ठीक है. एंड राइट फ्रॉम योर शो, अपनी आपके करियर के स्टार्टिंग शो शरारत की मैं बात करूँ, एंड जो भी आपने शो किए, काफ़ी फन लविंग बॉय, क्यूट बॉय, बट वेन इट कम्स अबाउट रियलिटी शो देर आर डिफरेंट पार्ट. हाउ डू यू सी द रियलिटी शो एंड द फन लविंग बॉय? वो रोल होता है आपका, तो मस्ती मजाक तो मेरे दिल में भी है, मतलब मैं खुराफाती हूँ वैसे भी. तो वैसे रोल मुझे अच्छे लगते हैं, और रियलिटी शोज़ आपके बहुत सारे पहलू होते हैं, यू नो, यू खुराफाती भी होते हैं, थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं, थोड़े प्यार भरे भी होते हैं, थोड़े मेंटोर टाइप के भी होते हैं. एग्जैक्टली, या सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो इसमें रियलिटी में बहुत देयर आर लॉट ऑफ फैसेट्स यू कैन सी, व्हेरएज इन एक्टिंग आप सिर्फ एक रोल को देखते हो, चाहे वो सौभाग्यवती हो, चाहे वो कसौटी हो, चाहे वो शरारत हो, वो सिर्फ आप एक पहलू देखते हो, एक रोल कैसा होता है वैसा ही देखते हो, यू नो. तो जैसे कि शरारत में मैं एकदम गुस्सा नहीं होऊंगा, वो चॉकलेट बॉय रोमांटिक. सौभाग्यवती वो मैं एकदम मस्ती मजाक नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम सपोज टू बी अ लिटिल, यू नो, सीरियस काइंड ऑफ कैरेक्टर. सो एक्टिंग इज डिफरेंट, एक्टिंग इज अ लॉट ऑफ फन, और बहुत मेहनत लगती है, एंड यू नो एवरीबॉडी वांट्स टू बी एन एक्टर. एंड आई ऑलवेज टेल देम के थिएटर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू बी एन एक्टर. रियलिटी शो से आपको सिर्फ फेम मिलेगा, विच इज अ गुड प्लेटफॉर्म,
But uske baad then you have to build your skills. Acting is the profession. Acting is the profession. When we talk about reality shows, sir has done Big Boss, Khatron Ke Khiladi and also Lock Up. So aapko kaisa teenon mein sabse best performance isme lagi aapko? I think best Khatron Ke Khiladi. Kyunki ye bahut bahut it was such a fun show. And sabki saath mein phatti thi. It's not yeah, like yeah, oh, sirf ek, in reality shows, ek shant hai, ek ladta hai, karta hai. No. And that, show, was, and that was Rohit Shetty's first Khatron Ke Khiladi also. Yeah, so हमारे लिए भी बहुत exciting था कि बहुत अच्छी bonding भी हुई थी रोहित सर के साथ. So और उसमें ना कोई खेल मतलब ऐसा कोई you know कोई fixing नहीं होती थी और उसमें कोई ना ऐसे कोई reality नहीं दिखाना होता था. Everything was about stunts yeah. and how you can overcome your fear. Yeah, जिसने अच्छा perform किया वो आगे जाएगा. जिसने नहीं वो बाहर जाएगा. ऐसे कोई It was a good show. But in three reality shows, you did won the trophy. But you won many hearts. For what is more important, winning hearts or winning trophy? भाई ये कैसी बात हुई? Of course, winning hearts, man. Trophy is always a byproduct. देखिए कितने सारे shows होते हैं, okay? Reality shows, चाहे वो खतरों के खिलाड़ी हो, चाहे वो Big Boss हो या Lock Up हो, तो चलो एक ही season हुआ है. There are so many winners. Some make it, some don't. In life also, you know, in terms of work. बट ऐसे बहुत लोग होते हैं हु हैवंट वन बट देर सो लव्ड बाय द ऑडियंस इवन टू डेट. आप मतलब मैं 8-10 तो मैं ऐसे ही आपको बोल दूँ यू नो चाहे वो शहनाज हो चाहे वो करण कुंद्रा हो आसिम हो हीना खान हो यू नो दिस ये तो मतलब ऐसे फिंगर टिप से मुझे याद है. सो सी द काइंड ऑफ लव दे हैव द ऑडियंस लव्स देम सो मच. जीते तो वो एक अपने आप में एक फेदर इन द कैप है बट मेन इज विनिंग हार्ट्स दैट इज द रूल ऑफ लाइफ. एंड ऑल्सो बिकॉज It's two different things, you know, acting, reality shows is a, you know, stunts and tasks and acting is tough. Koi acting trophy nahi hai jo KV ne nahi jeeti. Whether it's best son, best positive, best negative, best beta, best jodi, naya sadasya, everything. And humara ghar, one side is full of trophies. So, you know, I always tell him that it's not, reality show mein trophy nahi mili, it's okay. Mere profession mein mujhe trophy mili, mere liye woh bahut mayne rakhta. जून के महीने में आ रहा है देयर इज अ फिल्म कमिंग कॉल्ड कुतुब मीनार देयर इज अनदर सॉन्ग कमिंग इन अ म्यूजिक वीडियो सो दीज टू थिंग्स आई एम रियली वेटिंग फॉर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक्स गाइस. सर सारा भाई फोटो फोटो से चलो एक एक छोटा सा Okay, good to see you guys. Reunion party. Yo, thank you so much. Yes, we are super excited. चलो भाई स्टार्ट करो. कुछ ये तो है ना छोटे-छोटे सपने पूरे हो रहे हैं भाई देखो. Yes, complete. What do you want to say about the party? How excited? Party बहुत lavish है और lavish लोग आ रखे हैं पार्टी में तो मुझे लगता है बहुत excited है. आतिशबाजी होने वाली है, boom bam होने वाला है और अभी ये जो शो की पार्टी की जो लाइन लाइट है उनको हम साथ ही लेके जा रहे हैं. अब बवाल होने वाला है अंदर. अब थोड़ा सा क्या कुछ कहना चाहोगे? इतनी ज्यादा तारीफों तारीफों से वो नहीं मानने वाली. मैं ये तारीफें सुन सुन के मुझे ऐसा लगता है वाव दिस इज सो स्वीट ऑफ हिम. अभी क्या मैं और क्या फैन एज अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू पीपल वांट टू सी यू इन समथिंग डिफरेंट. गाने में देखने चाह रहे व्हाट डू वांट टू सी. मैंने बोला ही है इनको हम लोग साथ गाना प्रोड्यूस करके बना ही देते हैं. एक तेरी और की तरह एकदम फुल साड़ी वाड़ी पहन के मैं एकदम बढ़िया लेविश करेंगे. प्लान कर रहे हैं आपके लिए कुछ नया आने वाला है. तड़कता भड़कता आज हम लोग कुछ कर गए हैं. एंड हाउ लाइफ हैव चेंज आफ्टर लॉकअप. बहुत अच्छी लाइफ हो गई है. मतलब एक होता है जैसे मैं एनर्जी में बिलीव करता हूँ ये बहुत अच्छी एनर्जी मुझे मिली है ज़िंदगी में. बहुत अच्छी दोस्त है मेरी और इससे ज़्यादा दिल की खूबसूरत और खूबसूरत से खूबसूरत लड़की मैं आज तक नहीं मिला. मैम व्हाट डू वांट टू से अबाउट द फ्रेंडशिप एंड अबाउट योर जर्नी. सो बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं मुझे. शिवम इज़ वन ऑफ देम जो कि बहुत दिल का साफ लड़का है और एक बहुत अच्छा दोस्त मुझे मिला है. एंड आई एम गोइंग टू कीप हिम फॉर लाइफ. एंड अभी अंदर जाके मजे करने वापस से सबको मिलना है तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है. एंड आपकी फेवरेट होस्ट का मूवी रिलीज हो चुका है धाकड़. yes, धाकड़ में हम लोग गए थे. बहुत ही धाकड़ मूवी है वो और सह परिवार सारे लोग जाकर देखे. बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया मैम ने जो कि बहुत एक इंडियन वे में हॉलीवुड स्टाइल लाना बहुत कंगना मैम के लिए ग्रेट 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 परफॉर्मर है. बहुत ही अच्छी एक्टर है वो. सो उनका जो भी कुछ आता है वो नया ही एक अंदाज होता है उनका. सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड. सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा. एंड इवन योर कोस्ट स्टार मुनावर इज गोइंग फॉर खतरों के खिलाड़ी उसके बारे में क्या कुछ कहना है? वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें एक वो है जज्बा है जीतने का और वो आई एम वेरी श्योर कि वो ये भी जीत कर आएगा.
मुझे यार उसकी जिंदगी है, बढ़ता चले जाए, बस चांद तक जाए हमारा भाई, कोई टेंशन नहीं है, हर बंदा ऊपर जाना चाहिए बस। थैंक यू सो मच। अभी तो मैं आई हूँ, आई थिंक ये लॉकअप खत्म होने के बाद ये पहला रियूनियन है जो मैं अटेंड कर पा रही हूँ, बिकॉज एक बार मेरी तबीयत खराब थी, एक बार आई वॉज नॉट इन बॉम्बे, आई कुड इवन अटेंड कंगनाज धाकड़ प्रीमियर, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई थिंक जो मेरे फेवरेट्स थे वो ऑलरेडी मुझे यहाँ मिल चुके हैं, शिवम सारा एंड साइशा, एंड आई एम वेटिंग टू मीट आजमा, आई एम वेटिंग टू मीट के वी, ऑफ कोर्स इट्स हिज पार्टी, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द जर्नी हैज बीन आउटस्टैंडिंग मैम। Yes, it has been. I mean, it was a very, very different experience. I think पिछले 20 सालों की जो मेरी जर्नी रही है उसमें ये पहला एक्सपीरियंस था जो इतना अलग था, एंड आई जस्ट फील लकी एंड आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड की यू नो आई हैव हैड एन एक्सपीरियंस एंड आई हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी टू हैव मेड दिस जर्नी। व्हाट इज द वन थिंग दैट विल ऑलवेज बी देयर फॉर थ्रू ऑफ योर लाइफ मैम? The love that I have received after this show, the respect that I have earned, people got to see a new side of me, and for that I'm really grateful. Any upcoming project? Well, at the moment, since I've just come out, although it's been a few weeks now, I'm working on something that's really exciting, and dheere dheere pata chalega. Thank you so much. Thank you. Ma'am, please have a good one. आप से हमारा कैमरा मेरे विजुअल से ही भरा होगा इस हफ्ते में। एक्साइटेड जो भी लॉकअप में हुआ वो गेम में था, वो शो में था, लेकिन आज मुझे वो सब भूल जाना है जो पहले दिन से मुझे लगा कि मेरे दोस्त हैं, मेरी जो थिंकिंग थी उनके बारे में, मैं वो सोच के ही आज यहाँ पे एंटर हुई हूँ कि मुझे सबसे आज प्यार से बात करनी है, प्यार से रहना है, इन्जॉय करना है, जो शो में हुआ 10 हफ्ते सब भूल जाना है, आज सबके साथ एंजॉय करना। जर्नी हैज बीन वेरी आउटस्टैंडिंग। व्हाट डू वांट टू से अबाउट द फर्स्ट रियलिटी शो? व्हाट डू वांट टू से? जर्नी हैज बीन यूनिक सो टू स्पीक। कभी खुद के लिए खेली, कभी दूसरों के लिए खेली, ज़्यादातर दूसरों के लिए खेली, दिल से खेली, लेकिन इट रियली टॉट मी अ लॉट ह्यूमन नेचर के बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में। इवेंचुअली आई कैन से इट वाज अ फैब लर्निंग एक्सपीरियंस। वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज़ यू वर इन अ सच अ पीरियड ऑफ टाइम? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज़ मैं कॉन्फ्रंटेशनल नहीं हूँ, तो लोगों के साथ झगड़े करना, कन्फ्रंट करना,
आर्ग्यू करना, सुबह शाम आर्ग्यू करना, माइंड गेम्स खेलना, ये सब मुझ में है नहीं पर करना पड़ा गेम के लिए. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट वाज वेरी डिफिकल्ट. एंड यू आर वेरी क्लोज टू मुनावर एंड नाउ मुनावर इज गोइंग फॉर खतरों के खिलाड़ी. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? नो कमेंट्स. एंड व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ मुनावर? आई थिंक आई थिंक वन ऑफ हिज बेस्ट क्वालिटीज इज दैट ही इज वेरी गुड एट कन्विंसिंग पीपल. एंड अगर अगर किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो वो मनाने में भी बहुत एस है. सो आई थिंक दैट इज दीज आर द टू ऑफ हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स. रियलिटी शोज की मैं बात करूँ, बिग बॉस भी आने वाला है ये साल में, क्या आपको देख पाएंगे बिग बॉस में? आई डोंट थिंक सो, बट लेट्स सी. सलमान सर के लिए जाऊँगी मैं, अदरवाइज नहीं, बट लेट्स सी, डोंट नो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हम लोग क्या थोड़ा पीछे आ जाए और एक कोई आया उनका लेना क्या फैलीज एक द बाइक ठीक है एंड देन मैं स्विच. ओके गुड टू सी यू करणवीर पार्टी. यस. व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड डू यू शेयर विद? He's a dear friend, not only a friend but also a neighbor now, and I've known Karan since really long now, many years, and now that we are neighbors we've become even more closer. And yes, we always bump into parties also, we are there for each other's events as well. Yeah. So today I'm here for him, and I'm very happy that he's part of this whole lockup show, and yeah, he did really well. And that's something I see, you know, it takes a lot of courage for a person to do a show, something like this, which is a very challenging show, you know. When I see myself, if I have to do this show, it's a big challenge for me because I can't stay in my own house. So staying in a show like this, taking up challenges, you need to have that guts. What is the one special quality jo aapko kaafi achhi lagti hai? He's very humble, very down to earth, very sweet person, very friendly. He's like a magnet to friendship, so very friendly. And how do you see a reality show? And if you want to go one reality show, which will be the first reality show you'll pick? See, my scene is more like, I'm a very adventurous person, so if I have to even think of, if ever I want to do a reality show, then Khatron Ke Khiladi. Okay, any upcoming project would you like to see? Right now I'm busy doing South projects. I'm busy with 3 projects there, and of course I've just finished a couple of single music videos in Bollywood. So as of now I'm committed to these 3. Thank you so much. Thank you. Okay, good to see you as always. Reunion of lockup. You are the main condition of lockup. Yeah. What do you want to say about the party? I wanna say that I'm happy. I'm always been. You looking good? Oh my god. हम लॉकअप में इतने अच्छे. केवी ने सबको बुलाया, सब आए, चंद लोगों, बट आए अगले 2 ड्रिंक के बाद ऐसी आप बाइट दूंगा ना, मैं टेंशन ना लू, टेंशन को टेंशन नहीं देने का, 1 टास की गोली खाने का, 1-2 के मिनटों का बत्ती बजा के सो जाने का. भाई क्या खूबसूरत लग रहे हैं यार. मैंने जो कुछ भी एक शायरी आपके लिए, मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है वो मैं वक्त आने पे कर जाऊंगा.
तुम मुझे जहर लगती हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाऊंगा। ये माइक ड्रॉप था सीरियसली। ये इतना 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 ब्यूटीफुल बंदा, इतना अच्छा खेला इसने लॉकअप में, इतना प्यारा बंदा है। एंड आई डू सी योर पिक्चर्स, यू डूइंग ऑसम, बहुत अच्छा कर रहा है। आई विश यू सो मच लव। आदि प्योर गॉडेस ऑफ इंडिया, ये है आदि शक्ति, एक अंदर बैठी है पायल रोहतगी जी। और पायल इज मत क्या बताऊं, ये जो है ना, ये मतलब छोटा देखो इसे एक आजमा है, छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का, ये बड़े पैकेट बड़े दिमाग है, लिटरली बोल के कह के लेते हैं। अभी तो आपने देख ही लिया हमारे लॉकअप के सारे, हमारे हम लोग लॉकअप के अंदर भी उतने ही अच्छे से रहे और हम लॉकअप के बाहर भी ऐसे ही हैं सब लोग। तो मैं भी, मुझे अंदर जाना, सबसे मिलना है। आई एम वर्किंग ऑन अ वेब सीरीज एंड आई एम वर्किंग ऑन अ म्यूजिक वीडियो, तो आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगा सब कुछ। Huh? Your favorite? No, excuse me. That is incomplete. My mother. My mother. She shouts to me. Your mom? Good? Yeah. Look here. Thank you. Ramji wala hona chahiye. Your favorite step. Now it is my mother is watching everything. Strictly मना कर दिया, तू कुछ की अगर कहीं जा रही है, और मैंने देख साथ में करते हैं ग्रुप ग्रुप Instagram This is Shavniyas. Char ek saath kar rahe hain. I don't know about me, but me and three Shavniyas. Oh, please. Oh, TJ. I'm not so strongest. I'm not so strongest. There are two strongest mother here. Something with it. Ek saath mein photo. पार्टीज और उसके गेट टुगेदर हमेशा बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं, इट्स फन एंड इट्स द ओनली प्लेस वेयर यू नो सारे पुराने दोस्त मिलते हैं केवी के घर पे मोस्टली या उसकी पार्टीज में। सो आई हैव स्टेप्ड आउट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लास्ट टाइम मैं ये लोकेशन पे आई थी वो भी केवी के ही घर पे, उसका बर्थडे था या कुछ तो था। एंड ही इज डन रियली वेल इन द शो एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट हिम एंड लाइक यू नो चीयर हिम अप दैट ही इज आउट ऑफ द हाउस। एंड व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड डू यू शेयर विद हिम?
Like I told you, KV is a very fun person. He's a very genuine guy. One of the best guys I've met in television. And itne saalon ke baad bhi the bonding is still the same. And TJ also, she's very sweet. And unke teen bachche itne cute hai. All the three girls are so cute. And they make a lovely family. So, lockup ki mein journey baat karo, kya kuch karna chahoge in a one word? In a one word. Kim ki journey? KV ki amazing. And what are your upcoming projects you would like to see? There are some things which I cannot say, but it will be surely different from what you've seen till now. And reality show ki main baat karu, when we are going to see you in reality show? I don't know when I will see myself in a reality show. Jab bhi koi baat hoti hai, main, I don't know. Maybe a dancing reality show, yes. Apart from this, Lockup and Big Boss is there. If you want to pick one reality show, what will be that? I don't know. I really don't know. It takes a lot of guts and mental strength and a lot of things. Ye log ne jo kiya hai dono shows ne, you need a lot of willpower and strength to be in the show. So hats off to everybody who's done it till now. Yeah, it's commendable. Thank you so much, sir. Thank you. कल की पार्टी कैसी थी? बहुत अच्छी और मैं खुश हूँ कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे कैदी आए हैं। ऑब्वियसली केक की पार्टी ले गए। या गर्ल्स ऑन द पीक केक। फोटो फोटो फोटो। लुक या? मंडल भाई चालू करो। हाँ। आप केवी जी की पार्टी में आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? How excited are you? I'm very excited. KV is like my big brother. तो obviously मुझे बहुत अपनापन फील हो रहा है अपनी पार्टी में. And your journey has been very interesting. आपको एक tagline भी दिख दिया था, छोटा पैकेट बड़ा धमाका. उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? छोटा पैकेट भी मैं हूँ और बड़ा धमाका भी मैं हूँ, क्योंकि मैं बोरिंग नहीं हूँ और इतना सिंपल भी नहीं हूँ. मैं कुछ यूनिक हूँ और मुझे खुद तो फील होता है कि मैं कभी कभी कुछ ज़्यादा ही कर देती हूँ. जर्नी की मैं बात करूँ, कोई ऐसी बात जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हो आपको थ्रू आउट योर जर्नी, इफ यू वांट टू पिक एनी बेस्ट मोमेंट? माय बेस्ट मोमेंट वाज मैम एकता मैम ने मुझे ये इवन लॉकेट दिया था, सो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट. एंड कंगना मैम जब भी हंसती थी मेरे जोक्स पे, वो भी मेरा बेस्ट मोमेंट होता था. क्या आप और जिशान कभी भी दोस्त बन सकते हो? नहीं, मैं जो क्रिमिनल हो जो लोगों को मारता है, एक रियलिटी शो में नहीं, हर रियलिटी शो में जो जाके लोगों को मारता है, ऐसे क्रिमिनल्स के साथ मैं कभी दोस्ती नहीं रख सकती. एंड आई थिंक कोई भी ऐसे इंसान के साथ सेफ नहीं है, तो कोई ऐसे इंसान के साथ दोस्ती नहीं. इसके अलावा रियलिटी शो की मैं बात करूँ, बिग बॉस भी आने वाला, क्या आपको देख पाएंगे बिग बॉस में? मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, क्योंकि बिग बॉस एंड अभी मैं एक रियलिटी शो से निकली हूँ. जैसे एक जानवर को आप पिंजरे से निकाल दो तो अभी वो पकड़ में बहुत मुश्किल से आएगा. और कोई एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड? कोई प्रोजेक्ट नहीं. थैंक यू. आपके पास होगा तो हमें जरूर बताना. थैंक यू. एक तो फोटो अच्छे कैमरे में. अरे बहुत पतले लग रहा है, कुछ खाते नहीं है? नीचे नहीं, ऊपर ही है. नीचे जाए. ठीक है, आते देखो देखो ये देखो कितना यार फेर है फेर है इसे बताओ तभी चलो. आज चले जाओ कहीं नहीं होगा बोलो जरूर. क्या हमें इजाजत है भिजाने की? तुमको आजमा जी आजमा भी फोटो करा पर आया. आजमा बल्ला है तो क्यूट है यार. इवन यू आर एवल यू आर सीन भी देखा मूवी में कल. और डोंट टॉक अबाउट दैट. Like two doors, right?
मैम ये क्या आप लेट आए ना मैम एक